नमस्कारम, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आपका सनातन भारत परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऑटिज्म, ADHD और इस तरह की जो मन मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, इनको लेकर, ऑटिज्म के उपचार को लेकर इस सीरीज में मेरा यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं दो वीडियोज और डाल चुकी हूँ, मैं उनके लिंक आपको दे दूंगी लिंक बॉक्स में। ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सर्च की है, मैंने बहुत रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने के लिए। आज से कुछ वर्ष पहले मैं वैद्य विशारद की पढ़ाई कर रही थी, तब मेरे सामने आया आयुर्वेद का मर्म शास्त्र, मर्म चिकित्सा। तो मर्म चिकित्सा को मैंने पढ़ा और मर्म चिकित्सा को मैंने अपने बहुत सारे रोगियों पर आजमाया भी, और मुझे इसके बहुत ही आश्चर्यचकित, अभूतपूर्व मुझे इसके परिणाम मिले। फिर मैंने जो इस तरह की समस्याएं हैं ऑटिज्म को लेके, जो बच्चों की मन मस्तिष्क की समस्याएं हैं एडल्ट्स में भी, उसको लेकर मैंने इसको काफ़ी रिसर्च की। मैंने हर मर्म स्थान के साथ में मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किया कुछ समय तक, और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसलिए मैंने जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके ऊपर इसको अपनाया भी है मैंने, तो मुझे इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। इतना अच्छा परिणाम है कि अगर आप देख सकते हैं कि जो मैं आपसे पहली बात तो अनुरोध करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत बहुत फ़ायदा करने वाला है वीडियो, इसलिए आप इसे ज़रूर देखना पूरा। अब मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसको जो मैं आपको बता रही हूँ मर्म चिकित्सा, अगर आप हफ्ते भर भी एक बच्चे पर करते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चा है आप इसे कर रहे होंगे, आप जो परिणाम है, जो अंतर है, आप एक हफ्ते के अंदर आप देख पाएंगे, आपको अंतर नजर आएगा, इतनी ही प्रभावी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, क्योंकि एक तरह से मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मेरे जीवन का एक ध्येय है ऑटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना, इसके उपचार को, जो क्योंकि एलोपैथी में तो कोई उपचार है ही नहीं इसका, तो इसके लिए जो भी उपचार है अल्टरनेटिव थेरेपीज में, इसके बारे में मैंने बहुत बहुत पढ़ाई की है, मैंने बहुत रिसर्च की है। तो इसलिए मैं आपसे जरूर मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इसे देखिएगा। मर्म चिकित्सा अगर आप कहेंगे ये एक्यूप्रेशर जैसा है, लेकिन आयुर्वेद का मर्म चिकित्सा का जो इतिहास है बहुत हजारों साल बहुत पुराना है, हमें पता भी नहीं कितना पुराना है। ये जो एक्यूप्रेशर है तो भारत से ही गया है, बाद में चाइना में, तो उसी से निकला है, लेकिन जो मर्म स्थान है उनको उनका प्रभाव अलग ही है, एक्यूप्रेशर से कहीं ज़्यादा है। मैं जो आज मर्म स्थानों का इस्तेमाल करूँगी चिकित्सा के लिए वो है सीमांत मर्म, अपांग मर्म, शंख मर्म, उच्छेप मर्म, इन सब का मैं इस्तेमाल करूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि ये मर्म है, हमें इनका कैसे इस्तेमाल करना है, हमें कैसे इनका कैसे किस तरह से हमें इन सबको एक साथ हम इन सब मर्म का कैसे उपचार कर सकते हैं। ये जो मर्म मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको स्पेशली जो सीमांत मर्म के बारे में बताऊँगी, इससे जिन लोगों में, खासकर जिन बच्चों में इरिटेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, अति चंचलता भी है, फोबियाज हैं, फियर्स हैं, मस्तिष्क की समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अशांति है, इरिटेबिलिटी है, ये सब सारी चीज़ों का एक साथ ही इलाज करने वाला है, और हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे वो इतनी प्रभावी है कि जो पांच मर्म हैं उनको एक साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, ये मान लीजिए बहुत कम समय में हम इतने सारे मर्मों को एक साथ लेकर चलेंगे, तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। जो ये सीमांत मर्म है, ये जो हमारा जो कपाल है, कपाल में स्थित मर्म है, जो हमारे कपाल में स्थित जो हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, उनकी संधियों पर स्थित है, आपकी जो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल जो बोन्स हैं, उनकी जो संधियां हैं, उनका जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पर ये सीमांत मर्म स्थित हैं। अब हमें इन्हें सीमांत मर्म को, और इसके अलावा जो मैंने बाकी मर्म आपको बताए हैं, हमें इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है और हमें कैसे इनको ट्रीट करना है, चलिए अब हम ये जानते हैं। अब हम जो ये पाँच मर्म हैं, अपांग, आवर्त, उच्छेप, शंख, सीमांत, इन सब का एक साथ में उपचार करने वाले हैं एक बहुत ही प्रभावी तकनीक के द्वारा। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्लोज लोटस पोजीशन का।
हमारे जो हाथों की हाइपोथिनर एमिनेंस है वो तो जाएगी अपांग मर्म के ऊपर, और जो हमारे थंब है वो जाएंगे ऑक्सीपिटल बोन्स के एमिनेंस के ऊपर, और जो हमारे फिंगर्स हैं वो जाएंगी पेराइटल बोन्स की सुजा के ऊपर। अब आप देखिए हमें कैसे करना है इसको। मैंने आपको बताई है क्लोज लोटस पोजीशन, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। अब आप ये देख पा रहे होंगे। अब हमें कैसे इनको, जो मर्म स्थान है इनको हमको कैसे उपचार देना है, इसके लिए हम सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें कहें कि सांस लेना है या सांस छोड़ना है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो, या फिर वो नहीं समझते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी दूसरे पर भी ये कर सकते हैं। अभी सांस लेना छोड़ना प्रभाव को बढ़ा देता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम बात करें ऑटिस्टिक बच्चों की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे जो नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो छोड़ दीजिए इसको। हम अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम जब सांस को छोड़ते हैं, जिस समय हम सांस को छोड़ रहे होते हैं, तो हम उस समय अपनी उंगलियों का प्रेशर देते हैं, फिंगर्स का प्रेशर देते हैं, और जब हम सांस को लेते हैं तो प्रेशर को छोड़ देते हैं। हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें प्रेशर कितनी बार देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है हमें हर दिन में। आप दिन में 2 या 3 बार ये कर सकते हैं इस चीज़ को, जो ये क्लोज लोटस पोजिशन है इसको। आप दिन में 2-3 बार इसको कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, 60 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए बहुत रहेगा, इससे ज़्यादा आप मत कीजिएगा इसको। अगर बच्चों को या किसी को भी, एडल्ट्स को भी सिर में दर्द भी है, सिर की समस्याएं भी हैं, बीमारियां हैं सिर की, बहुत तेज सर दर्द है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर है ये। आपके जो भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे माता पिता अभिभावक ऐसे आएंगे जो देखना चाहेंगे कि कैसे रिजल्ट आया है, तो आप ज़रूर अपने इसमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। कोई आपके सवाल हो, कुछ आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो, तो आप प्लीज़ उसमें लिखिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी जवाब दूँ। लोग मुझे, बहुत सारे लोग मुझे ईमेल लिखना चालू कर देते हैं, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, एक पब्लिक फिगर हूँ, और मेरे पास पहले ही बहुत सारे ईमेल जरूर आते हैं, मैं नहीं देख पाती हूँ अलग अलग सबके लिए। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि उसके सबके जवाब दूँ। कहीं कुछ ज़्यादा अगर दिक्कत है तो मैं दोबारा वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश भी करूँगी। और चूंकि मैं ऑटिज़म को लेकर बहुत सारे अलग अलग जो थेरेपीज़ हैं उन सब में, हर किसी में उसका उपचार मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप मुझसे ज़रूर जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगी। नमस्कार।